Was für mich? हटो बच्चों, इधर आओ उधर जाओ, पहले हम बात करेंगे फिर तुम बात करोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में पानामा लीक्स की समाअत के मौका पर सियासतदान बात करने का वक्त और मौका ना मिलने पर झगड़ पड़े। समाअत मुकम्मल हुई तो पीटीआई के रहनुमाओं ने सबसे पहले डाइस संभाल लिया। इस दौरान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर बाहर आए तो जगह ना देने पर उनकी तर्जुमान पीटीआई नईमुल हक से तलख कलामी हो गई। शेख रशीद और दीगर अफराद ने बीच बचाव कराने की कोशिश की लेकिन बात ना बनी। शेख रशीद ने मना करते हुए कहा कि मीडिया लाइव है, ऐसा ना करें। गालियां निकाल रहा है यार। खुर्रम नवाज गंडापुर इतना बरहम हुए कि किसी के हाथ ना आए। जहांगीर तरीन ने मनाया, दोस्ती के वास्ते दिए। एजाज चौधरी ने बाजू पकड़ लिया लेकिन खुर्रम नवाज ना माने। पहले आपने लड़ाई के बाद खुसूसी गुफ्तगू करते हुए खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना था कि नईमुल हक के माफी मांगने तक वो बात नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पे ना सिर्फ मेरे साथ नईमुल हक साहब ने बदतमीजी की बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हजरात ने भी बदतमीजी की। उसके बाद मेरा अब भी ये स्टांस है कि जिन्होंने ज्यादती की वो माफी मांगे। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में शेख रशीद ने तवक्को जाहिर की कि मामला जल्द हल हो जाएगा। हर आदमी धक्के मार के आगे आना चाहता है, इसमें झगड़ा हो गया, इंशाल्लाह ताला शाम तक ठीक हो जाएगा। दोनों मेरे बरखुरदार भाई हैं, नईम भी और खुर्रम गंडापुर साहब भी। मुबस्सिरीन कहते हैं कि अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हालिया तलख कलामी दोनों जमातों के इत्तेहाद पर बुरा असर डाल सकती है।